तक आज तक की उस मुहिम से जुड़ी हुई जहां जनता अपनी समस्या आज तक तक पहुंचाती है और हम दस्तक देकर समाधान दिलाने में जुट जाते हैं। दस्तक @aajtak.com वो जरिया है जिस पर जनता अपनी समस्या पहुंचाती है। इसी मेल आईडी पर झारखंड के कम से कम 75 नौजवानों ने ईमेल भेजा, कहा है कि जिस झारखंड में 3.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं, वहीं सचिवालय कर्मी भर्ती का एक इम्तिहान जो 8 साल से सिर्फ टाला जा रहा है, हर बार एक नई तारीख के साथ आगे बढ़ा दिया जा रहा है। आज जनता के भेजे इसी मुद्दे पर हम दस्तक दे रहे हैं। ये कमरा अस्त व्यस्त लग सकता है, लेकिन जब एक कमरे में 4-5 बेरोजगार भर्ती की तैयारी करते करते कर्ज में डूबने लगे, तो अस्त व्यस्त उस सरकारी व्यवस्था पर दस्तक देना पड़ता है, जिसके लुंज पुंज और मरियल रवैये की कीमत गरीब परिवारों के बेरोजगार बेटे चुका रहे हैं। आज तक ने जब कहा कि आपके पास समस्या है और आप समाधान चाहते हैं तो हमें भेजिए, तब दस्तक के मेल बॉक्स में झारखंड के सैकड़ों छात्रों ने ये ईमेल भेजा जिसका संबंध हजारों लाखों बेरोजगारों से है। इसलिए आज आप घर बैठे इन युवाओं के लिए झारखंड की सरकार को जगाने वाली दस्तक दीजिए, क्योंकि झारखंड में 2 बार सरकार बदल गई, चयन आयोग के अध्यक्ष 5 बार बदल गए, 8 साल बीत गए। जो परीक्षा 65,000 बेरोजगारों के साथ शुरू हुई उसमें अब 6.5 लाख बेरोजगार बैठने लगे। बेरोजगार परीक्षा के इंतजार में ओवर एज होने लग गए, लेकिन JSSC CGL यानी झारखंड में सचिवालय कर्मियों की भर्ती परीक्षा आज तक पूरी नहीं हो पाई। इंतहा हो गई इंतजार की। इस वक्त हम स्टूडेंट्स के रूम में हैं, लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। इनका ख्वाब है कि सरकारी नौकरी इन्हें मिले, और यहाँ पे 3.25 लाख से ज्यादा वैकेंसी भी है झारखंड सरकार में अलग अलग पदों पे, लेकिन जब वैकेंसी निकलती है तो कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है जिसके वजह से परीक्षाएं रद्द हो जाती है। झारखंड के ये युवा 2016 से सचिवालय भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते आ रहे हैं, हर बार परीक्षा कैंसिल हो जाती है, आगे बढ़ा दी जाती है। वैकेंसी तो मान लीजिए बाद में रद्द होती है, या एग्जाम रद्द क्या होती है, एग्जामिनेशन को बार बार टाल दिया जाता है, डेट बढ़ाओ। जब जाते हैं खैर कुछ करो। ये 12 बार परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी है, 12 बार। इसके पहले 15 सितंबर को परीक्षा होना था, लेकिन इन्होंने कैंसिल किया, बोल 2 महीना के बाद होगा। इसके पहले मैं बता रहा हूँ, जब 16 में यह प्रक्रिया, 15 में प्रक्रिया शुरू हुई, 17 में होगा, वह 17 में होगा, 18 में होगा, 19 में हो गया, सब परीक्षा तो हो गई, फिर कैंसिल कर दिया गया। परीक्षा हो भी गई पीटी और कैंसिल कर दिया मेंस का, उसके बाद फिर बोला कि परीक्षा, तब तक कोरोना काल हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर 21 में बोला नियुक्ति वर्ष होगा, तो फिर आपको वहां डेट दे दिया जाता है, हमारी नियुक्ति नहीं हुआ, हम लोग को भी मुक्ति मिल गया। उसके बाद बोला नहीं 2022 में फिर फार्म भरो, फिर हम लोग फार्म भरे। अब संख्या हो गया 6.5 लाख लड़का, शुरू चले थे मैंने 65,000 से। हम लोग एक गरीब किसान का बेटा है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है जल्द एग्जाम ले। पिताजी लोग बोल रहे हैं कि अंतिम क्षण में यही बोलेंगे कि अगर सरकार एग्जाम लेता तो ठीक है, तो घर आ जा बोरिया बिस्तर लेके। बहुत ही मतलब उम्मीद जगा के यहाँ पर हमको पढ़ा रहे हैं कि कुछ ना कुछ नौकरी लेगा, और मेरा पिताजी मतलब महिला समिति से उधार लेकर यहाँ पर हम अभी रेंट चुका रहे हैं। हम डेली जाते हैं लाइब्रेरी, कुछ मतलब तैयारी कर रहे हैं, आज से कुछ मतलब ना वैकेंसी निकाल रहा है ना कुछ। ये सपना देखते हैं इनके परिजन और ये खुद भी कि सरकारी नौकरी मिलेगा और भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन इन तंग कमरों में ही इनकी भविष्य जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पे ग्रहण लगते जा रहा है। इस साल भी 16 और 17 दिसंबर को होने वाली परीक्षा फॉर्म भरवा कर रद्द कर दी गई। यह हाल तब है जबकि झारखंड की सोरेन सरकार ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया, लेकिन गृह कारा विभाग में 73,938 पद खाली है, स्कूल शिक्षा में 1,04,000 पद, स्वास्थ्य विभाग में 73,000 से ज्यादा, कृषि विभाग में 3,500, ग्रामीण विकास विभाग में 7,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ऐसे करीब 3.5 लाख पद खाली हैं और रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 7 लाख से ज्यादा। यानी सिर्फ खाली पद भर लें और समय से इम्तिहान करा दें,
तो आधे बेरोजगार झारखंड के सरकारी नौकरी पा जाएंगे। लेकिन सत्यानंद भोक्ता, श्रम नियोजन मंत्री झारखंड के, जिन पर जिम्मेदारी है, वो अपना आँख कान इतना बंद कर चुके हैं कि आज तक के बेरोजगारों के हक में दस्तक देने के बावजूद बाहर जवाब देने इस गेट से नहीं निकल पाते। हेमंत सरकार के श्रम नियोजन मंत्री का आवास है ये। मंत्री जी की ठसक ऐसी कि लगातार यहाँ पे बेरोजगार रोजगार को लेकर परेशान हैं। सरकारी नौकरियों में लगभग जो है 3.25 लाख से ज्यादा पदें रिक्त हैं, लेकिन मंत्री जी आवास में किसी से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते हैं। अगर कोई अप्रोच भी करता है तो उससे बातचीत तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं। सचिवालय की वैकेंसी भी 2015 के बाद से लगातार निकाली जा रही है और 12 बार से ज्यादा इम्तिहान स्थगित हो चुके हैं। बेरोजगारों को पता नहीं कि आखिर उनको कब रोजगार मिलेगा, लेकिन इस पर जो है टिप्पणी करना भी मुनासिब नहीं समझते। हेमंत सरकार के मंत्री ठसक पे रहते हैं, इसीलिए झारखंड सरकार को दस्तक देते हुए जगाने की जरूरत है। आज तक की दस्तक है सचिवालय भर्ती का 8 साल से टाला जाता इम्तिहान तुरंत पूरा कराया जाए, 3.5 लाख खाली पदों को भरने का काम जवाबदेही के साथ किया जाए।